राजधानी दिल्ली के रोहिणी साइबर पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को धर दबोचा जो 35 साल से ऊपर की महिलाओं को शेयर मार्केट में पैसे लगाकर डबल करने के लिए कहता था। एक महिला ने साइबर पुलिस को शिकायत दी कि उस व्यक्ति से उसकी दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी। उस व्यक्ति ने कहा कि वह दिल्ली मेट्रो में गार्ड अधिकारी के साथ ही एक निवेश बैंकर है। उस व्यक्ति के कहने पर महिला ने 25,000 का निवेश किया। इसका दोगुना रिटर्न भी उस महिला को मिला। फिर इस महिला ने उस व्यक्ति के कहने पर 50,000 का निवेश किया। इस बार भी दोगुनी रकम उसे मिल गई। फिर उसी व्यक्ति के कहने पर महिला ने 1,00,000 रुपए निवेश कर दिए। निवेश करते ही उस व्यक्ति ने महिला से बात करना, फोन उठाना, मैसेज करना सब बंद कर दिया। परेशान होकर महिला ने इसकी शिकायत साइबर क्राइम थाना रोहिणी में की। अपराधी को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया गया जिसमें एससी अजीत, एचसी मनोज, एचसी खेमराज, एचसी पूनम शामिल थे। सूझबूझ के साथ आरोपी को पकड़ लिया गया जिसकी पहचान परवीन उर्फ रोहित शेरावत निवासी गांव जगसी मटन तय गोहाना जिला सोनीपत हरियाणा के रूप में की गई। आरोपी के पास 14 ATM, डेबिट कार्ड, एक चेकबुक, 4 मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड और 1 लैपटॉप बरामद किया गया।